नमस्कार। हमने अपने पिछले दो वीडियोस में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे निकाली जाती है उसकी तीन मेथड्स के बारे में चर्चा की थी। इस सीरीज का यह लास्ट वीडियो है जिसमें हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग एंड MSRP मेथड के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। इस मेथड में कस्टमर कितना पैसा देने को तैयार है इस पर प्रोडक्ट की प्राइस तय की जाती है, जबकि मार्कअप एंड मार्जिन मेथड्स प्रोडक्ट को लो प्राइस पर बेचने के लिए लगाई जाती है। लेकिन इस मेथड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में कॉम्पिटिटर्स की प्राइस को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है, क्योंकि इस मेथड में कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखकर प्राइस निकाला जाता है। आपको मार्केट में इसके बहुत से एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सर्विसेज। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से रेस्टोरेंट में प्राइजेस अलग अलग होते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट में एक बर्गर का प्राइस 100 रुपीज़ है तो उसी सेम बर्गर का प्राइस किसी दूसरे रेस्टोरेंट में 120 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा, और यह सिर्फ उसकी क्वालिटी के कारण ही पॉसिबल होता है। उस रेस्टोरेंट के ओनर ने अच्छे से अच्छे शेफ़ को हायर किया होगा, उसके अलावा उसके फूड की क्वालिटी भी अच्छी होगी। ऐसी कई सारी वैल्यू एडेड चीज़ें हैं जिसके कारण उस रेस्टोरेंट के ओनर ने अपने बर्गर का प्राइस 120 रुपीज़ रखा होगा। दूसरा है आर्ट। ऐसी कई सारी मूर्तियाँ, पेंटिंग्स एंड डिज़ाइंस आपको अक्सर देखने को मिलती होगी जो कि प्राइस लेस होती है। इसका प्राइस निकालने के लिए इनकी बोलियाँ लगाई जाती है, और यह भी लोगों की नीड पर ही डिपेंड करता है कि खरीदने वाला इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कितना एग्रेसिव है। तीसरा है कंसल्टिंग। मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अपने कस्टमर से मनचाही फीस वसूलते हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरत कस्टमर की ज़्यादा होती है। चौथा है मेडिसिन। दुनिया का कोई भी कॉमन आदमी अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहेगा। इसकी वजह से बहुत से लोग दवाइयों और ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स को मनचाही फीस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि दवाइयों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, लेकिन डॉक्टर्स की फ़ीस पर नहीं। और ऐसी बहुत सी सर्विसेज होती है जो वैल्यू बेस्ड होती है। वैल्यू प्राइसिंग आप किसी मेथड के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं। कॉमनली यह पैसा दुकानदार अपने प्रोडक्ट से ज़्यादा अपनी सर्विसेज देकर कमाता है। चलिए तो अब MSRP मेथड के बारे में बात करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस मेथड। यह प्राइस मैन्युफैक्चरर द्वारा रिटेलर को सजेस्ट किया जाता है। इसको दूसरे शब्दों में रिकमेंडेड रिटेलर प्राइस भी कहा जाता है। MSRP किसी भी क्वालिटी प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड प्राइस को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी 2-व्हीलर या 4-व्हीलर कंपनी के ज़्यादातर पार्ट्स उस कंपनी की हर डीलरशिप पर आपको एक ही प्राइस पर देखने को मिलेंगे। MSRP में मैन्युफैक्चरर पहले से ही अपने प्रोडक्ट की MRP निकाल कर रखता है, और उसके बाद वह अपनी सब्सिडियरीज को सजेस्ट करता है कि वे उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर की प्राइस पर ही बेचे। लेकिन बहुत से रिटेलर्स अपनी इन्वेंटरी को कम करने के लिए या फिर और ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इन प्रोडक्ट्स को MSRP से कम दाम पर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। MSRP में प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स को गिन लिया जाता है, और इस मेथड में रिटेलर्स के एवरेज मार्कअप को भी गिन लिया जाता है। तो यह थी जानकारी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग और MSRP मेथड के बारे में। हमने इन दोनों के अलावा बाकी की तीन मेथड्स पर भी वीडियो बनाए हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर आपका किसी टॉपिक पर वीडियो का सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।